हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका पांचवा बाब 17-19 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात और सहाफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हर किस न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वह आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, रोज़ों के अयाम हमें अपनी ज़िंदगी से खुदगर्ज़ी, गरूर और कम हिम्मती की जड़ी बूटियों की बेखनी करने पर आमादा करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि वक्ती खुशियाँ जज्बाती नारे और कागजी फूलों पर इक्तफा करने के बजाय यीशु से लो लगा के उसे हकीकी मसरत और सच्ची तस्कीन पाएं। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम यीशु की तरह बाप की मर्जी को अवलियत देंगे। ऐ खुदावंद खुदा, हमारे रोज़े और दुआ को कबूल फरमा कर तो हमें नई ज़िंदगी दे। तो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि हर एक को एक नई ज़िंदगी देता है। हमारी दुआ को कफारे के तौर पर कबूल फरमा और आइंदा ज़िंदगी में हमारी मदद कर। आमीन। पैगंबर रेडियो वेरिटास एशिया।